तो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं M1887 के इस ईओ गन स्किन को M1887 के वन पंच मैन वाले गन स्किन के साथ। मैंने यहाँ पे M1887 को कंपेयर करते हुए बहुत सारे वीडियो बनाए थे और भाई यार उस वीडियो के नीचे मेरे को भर भर के कॉमेंट आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे वन पंच के मैन के साथ यहाँ पे ईओ गन स्किन को कंपेयर करो। तो गाइस चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे इन्हीं दोनों गन स्किन को वन बाई वन करके यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे तुम लोग दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट्स देख सकते हो। यहाँ पे M1887 के अंदर डबल डैमेज प्लस है और गाइस यहाँ पे रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस है और मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस है। और गाइस वहीं पे यहाँ पे वन पंच मैन के अंदर आप लोग को डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, रिलोड स्पीड यहाँ पे डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है और गाइस एक्यूरेसी को यहाँ पे सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गाइस चलो यार सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोनों गन स्किन के डैमेज के बारे में। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और गाइस मेरे हाथ में है सिंगल डैमेज वाला वन पंच मैन वाला गन स्किन। तो गाइस अब मैं यहाँ पे इससे फायर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये वाला गन स्किन बॉडी डैमेज दे रहा है 18 करके, जो कि यार चलो काफी अच्छा डैमेज है। और गाइस यहाँ पे अगर हेडशॉट की बात करता हूँ तो गाइस यहाँ पे 99 का हेडशॉट तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वन पंच मैन वाले गन स्किन के अंदर। तो गाइस ये तो हो गया इस गन स्किन के डैमेज और गाइस यहाँ पे हेडशॉट की बात। और गाइस अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेस्ट के ऊपर डैमेज का। तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर 9 करके डैमेज दे रहा है, चलो यार काफी ज्यादा सही है। और गाइस यहाँ पे लेवल 3 वेस्ट के ऊपर 7 करके वाला गन स्किन डैमेज दे रहा है और गैस यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 6 करके वाला गन स्किन डैमेज दे रहा है। तो गैस तुम लोग यहाँ पे सिंगल डैमेज वाले गन स्किन का डैमेज देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं ईओ गन स्किन का। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा ईओ गन स्किन, मैंने यहाँ पे इसको लेवल 4 का अपग्रेड करके रखा है, इसके अंदर डबल डैमेज प्लस है। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे के ऊपर 19 करके डैमेज दे रहा है, जबकि यार वन पंच मैन 18 करके डैमेज दे रहा था। और गैस यहाँ पे अगर हेडशॉट की बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे 104 का हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा तुम लोग को इस गन स्किन के अंदर, वन पंच मैन 99 का हेडशॉट दे रहा था। और गैस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का, तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको वेस्ट पहना देता हूँ। और गैस अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं फायर करता हूँ तो गैस यहाँ पे 10 करके डैमेज देखने के लिए मिल रहा है सिंगल डैमेज वाले गन स्किन के अंदर, 9 करके डैमेज देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर 7 करके डैमेज देखने के लिए मिल रहा है, वन पंच मैन भी 7 करके ही डैमेज दे रहा था लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर। और गैस यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर भी सेम ही डैमेज देखने के लिए तुम लोग को मिल जा रहा है। यहाँ पे डबल डैमेज और सिंगल डैमेज वाले गन स्किन लेवल 3 और लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर सेम डैमेज दे रहे हैं। तो गैस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये रहा हमारा दोनों गन स्किन का डैमेज। यहाँ पे तुम लोग को दोनों गन स्किन के डैमेज में यार बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, बस थोड़ा मोड़ा एकदम थोड़ा मोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ फायर का। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ है नॉर्मल रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन, एक तरफ है सिंगल रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन। हम लोग यहाँ पे दोनों गन स्किन को एक साथ फायर करेंगे एक ही टाइम पे। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, एक सेकंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लो मोशन हम लोग करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार एकदम ना के बराबर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। एक बार और यहाँ पे फिर से देख लो यार, यहाँ पे मतलब कि यार मेरे को तो डिफरेंस समझ में आ ही नहीं रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पे तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे तुम लोग को दोनों गन स्किन के रेट ऑफ फायर में यार मतलब एकदम ना के बराबर तुम लोग को डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर तुम लोग को कोई डिफरेंस दिखा हो तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिलोड स्पीड के बारे में, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक के अंदर डबल रिलोड स्पीड है और गाइस एक के अंदर नॉर्मल रिलोड स्पीड है। तो गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ये तो हम लोग को अब चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे दोनों को सेम टाइम पे रिलोड करता हूँ और गाइस यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे वन पंच मैन यार ईओ गन स्किन से थोड़ा सा फास्ट रिलोड हो गया तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड के मामले में वन पंच मैन काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे ईओ गन स्किन से। तो गाइस फाइनली अब मैं अगर बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे इन दोनों गन स्किन में से सबसे ज्यादा बेस्ट गन स्किन कौन सा है या इन दोनों गन स्किन में हम लोग को क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेट ऑफ फायर के बारे में। तो गाइस यहाँ पे रेट ऑफ फायर में तुम लोग को थोड़ा सा भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस रहा बात यहाँ पे रिलोड स्पीड का, तो गाइस यहाँ पे वन पंच मैन के अंदर रिलोड स्पीड काफी ज्यादा अच्छा है ईओ M1887 के मुकाबले। और गाइस अगर मैं बात करता हूँ दोनों गन स्किन के डैमेज का, तो गाइस देखो यहाँ पे ईओ गन स्किन सामने वाले बंदे के ऊपर 19 करके डैमेज देगा और गाइस यहाँ पे सिंगल डैमेज वाला वन पंच मैन वाला गन स्किन 18 करके डैमेज देगा। बस यही एक डिफरेंस है, एक डैमेज का डिफरेंस है, इसके अलावा तुम लोग को और कुछ दोनों गन स्किन के अंदर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो गाइस देखो काफी सारे बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे सिंगल डैमेज वाला गन स्किन है तो क्या मुझे ईओ गन स्किन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई देखो अगर तुम लोग ईओ गन स्किन लेने जाते हो तो यार सबसे पहले तुम लोग को 1000 डायमंड लग जाएंगे ईओ गन स्किन को लेने
खरीदने के लिए। और गैस उसको अगर तुम लोग 4 लेवल का अपग्रेड कर लेते करते हो तो गैस वहाँ पे तुम लोग कम से कम 2000 या 2500 के करीब डायमंड लग जाते हैं लेवल 4 का अपग्रेड करने के लिए। तो गैस बस यहाँ पे यार एक सिंगल डैमेज ज़्यादा के कारण तुम लोग यहाँ पे क्या यू गन स्किन के चक्कर में पड़े हो यार। सिंगल डैमेज वाला गन स्किन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गन स्किन है। मैं तुम लोग को बेकार में यार अपना डायमंड वेस्ट करने का आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन गैस अगर तुम लोग को ऊपर है, तुम लोग का मन करता है, तो यू गन स्किन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो गैस आई होप कि वीडियो तुम लोग को नॉलेजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो गैस सपोर्ट करो आप लोग मेरे चैनल को भी, क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा जरूरत है मुझे तुम लोग के सपोर्ट का। तो गैस चलो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।